सो स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं अभी अगले एनवायरनमेंट की तरफ। माइक्रो हमारा हो गया था, तो इस वीडियो में मैं आपको मैक्रो एनवायरनमेंट का बताऊंगा। सो मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला होता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसा होता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन, तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको भी बताऊँगा, जो कि है स्पोर्ट्स हैज़ ऑलवेज एग्जिबिटेड एन इंटरनेशनल डायमेंशंस, बट दिस डिमेंशंस हैज़ इंटेंसिफाइड इन रिसेंट ईयर्स। काफ़ी इंटरनेशनल डायमेंशंस में स्पोर्ट्स ने काफ़ी प्रगति की है, उसमें काफ़ी उन्होंने सक्सेस किया है, और ये डायमेंशन और बढ़ गया है। इट हैज़ इंक्रीज्ड, इंटेंसिफाइड और डेंस हो गया है। सो विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एसोसिएशन सच एज एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन आर गेनिंग इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस एज मेंबर्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर्स ऐड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम, जो हमने पहले देखा कि सबसे मेन एस्पेक्ट क्या है स्पोर्ट्स का, अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम विच ड्रॉज अटेंशन फ्रॉम मेनी पीपल एंड टूवर्ड्स द गेम, राइट। सो एंड कॉम्पिटिशन सो इज बींग अफेक्टेड ड्रामेटिकली बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पेशली एज लार्जर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट ऑन अ ग्लोबल स्केल एंड आर आइडियली पोजिशन टू एंटर न्यू मार्केट्स एंड ऑब्टेंड यूजफुल रिसोर्सेज इन द मैनर। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी काफ़ी आइडियली पोजिशनड है, और दे आर इन सच अ गुड पोजिशन दैट दे हैव इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स इन द न्यू मार्केट एंड दे हैव ऑप्टेंड, उन्होंने एक चीज़ अचीव की है क्या कि यूजफुल रिसोर्सेस उन्होंने इस मैनर में लाए हैं कि उनका पूरा वो ग्लोबलाइजेशन और वो पूरा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एक काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। सो द ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन राइज टू न्यूमरस टॉपिक्स। तो अभी ग्लोबलाइजेशन राइज होने के बाद उस वही चीज़ ने काफ़ी अलग अलग चीज़ों को राइज दिया, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव बैलेंस, गवर्नेंस इशूज़ भी आ गए उसमें, और कॉम्पिटिशन रेगुलेशन। सो कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है। सो दिस वॉज लाइक इंटरनेशनल एनवायरमेंट, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने लायक है नहीं। इसमें आप चार पाँच पॉइंट भी ये मेन डाल दूंगे तो स्पोर्ट्स में, माइक्रो एनवायरमेंट में, इंटरनेशनल एनवायरमेंट में ये कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल एनवायरमेंट में आपको ये पाँच छः पॉइंट मेन डालने कि फर्स्ट इट हैज़ इंटरनेशनल डायमेंशन बट दिस डायमेंशन हैज़ इंटेंसिफाइड इन रिसेंट ईयर्स, और फिर उसके बाद एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी स्पोर्ट्स एसोसिएशन में, एग्जांपल आप दे सकते हैं समर ओलंपिक फेडरेशन का, उसकी वजह से काफ़ी आउटसाइड मेंबर्स, आउटसाइड कंट्री के मेंबर उसमें ज्वाइन हुए हैं। सो ये इंटरनेशनल फेडरेशन में काफ़ी मेंबर्स की बढ़त हुई है इंटरनेशनल मेंबर्स की ड्यू टू एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स हमने देखी, जो कि अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम एंड कॉम्पिटिशन, वो भी अफेक्ट हुआ ड्रामेटिकली ड्यू टू द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो दिस वॉज अबाउट द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो अगला एनवायरनमेंट क्या होगा, तो वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले भी थोड़ा उसके बारे में देखा था कि यूज ऑफ दिस डिजिटल मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो इंक्लूड्स इन द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो इफ वन लुक्स एट द स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इट इज अपेरेंट दैट द मीडिया हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट अलाय टू द स्पोर्ट्स मैनेजर। जो कि स्पोर्ट्स मैनेजर है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए मीडिया, अगर मीडिया है तो प्रमोशन और बढ़ेगा। जैसे कि हम टीवी में देखते हैं काफ़ी मीडिया रिपोर्टर्स होते हैं, तो वो अलाइड होते हैं कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से और उनके थ्रू वो प्रमोशन करते रहते हैं। सो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पोर्ट्स मीडिया मैनेजर को एक मीडिया पकड़ के रखना पड़ता है। सो दैट मीडिया दे हैव होल्ड वन मीडिया एंड दैट मीडिया हेल्प्स देम टू प्रमोट देयर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। एंड देन वॉट इज देयर, बिकॉज स्पोर्ट्स अपीयर्स टू बी रिस्पॉन्सिव टू टेक्नोलॉजी रादर देन डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ओन पर्पज, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस बिहाइंड द चेंज इन टेक्नोलॉजी। सो अभी क्या है कि काफ़ी टेक्नोलॉजी आ रही है और इतनी वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आ चुकी है अभी कि आपको एक नई क्रिएट करने के लिए जाना काफ़ी मुश्किल है। सो रादर देन गोइंग टू द न्यू क्रिएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, यू शुड अंडरस्टैंड द करंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, जो अभी करंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर आप काम करो, उसको एडवांस करो और उसको लेके आप अपना प्रमोशन करो, बिकॉज दैट विल वेस्ट योर टाइम, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट टेक्नोलॉजीज इन करंट वर्ल्ड। सॉरी, इनकॉर्पोरेटिंग मैसेजेस बोर्ड इन टू वेबसाइट क्रिएट्स बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन दैट इज़ यूजफुल इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स थ्रू डायलॉग एंड इंटरेक्शन। इट हैज़ बीन फाउंड दैट स्पोर्ट्स फैंस एंड कंज्यूमर्स आर ईगर टू इंटरेक्ट विद देयर फेवरेट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड विल एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द साइट एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियन। तो जैसे कि अभी कोई भी साइट हो, वेबसाइट हो या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज हो, तो उस पर उन्होंने काफ़ी एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स फैंस हैं
वो बहुत एक्टिव होते उसमें कुछ भी ओपिनियन देने के लिए या कुछ भी उसमें कमेंट करने के लिए. सो दे आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर फेवरेट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट व्हाट इज़ हैपनिंग, विच प्लेयर इज़ प्लेइंग, विच प्लेयर इज़ नॉट, विच प्लेयर इज़ इंजर्ड. सो वो काफ़ी चीज़ें ऐसे होती है, जैसे कि मैंने इसके पहले, मैंने थोड़े साल पहले मतलब पिछले साल ही रशिया में मैं था, तो उसमें मैंने फुटबॉल क्लब सोची के साथ काम किया था. मैं उनका सोशल मीडिया मैनेजर था, तो उन्होंने उनके पेज को मैं हैंडल करता था, उनके फेसबुक पेज को. सो उसमें काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे, काफ़ी जो प्लेयर मतलब फैंस थे, वो पूछते थे उस पे कमेंट्स पे कि ओके क्रिस्टियन नोवा एक प्लेयर था उनका, अर्जेंटीना का प्लेयर है वो, उनके उस क्लब में खेल रहा था. तो उन्होंने वो पूछते थे कि भाई ये इंजोर हो गया है तो ये कब आएगा, क्या वो प्लेइंग इलेवन में है, क्या आज के मैच में वो खेलेगा या नहीं. सो दिस क्रिएट्स एन एक्साइटमेंट इन टू द पीपल जो कि फैंस है, तो वो ज़रूर उनका ओपिनियन डालेंगे. तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये था टेक्नोलॉजिकल, और बाकी का तो आपको बताइए कि किस तरीके से प्रमोशन होता है, मीडिया का हो गया और ये हो गया. सो नेक्स्ट इज़ द फिजिकल एनवायरनमेंट. सो स्पोर्ट्स हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इन विच पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस देयर गेम विथ रिगार्ड टू बिग स्पोर्ट्स इवेंट सच एज द 94 पॉइंट साइकिल चैलेंज अट्रैक्ट्स नियरली 25,000 साइकिलिस्ट. एग्जाम्पल मैंने एक इसमें नोट्स में मेरे निकाला, तो उसमें 94.7 साइकिल चैलेंज होता है, तो उसमें 25,000 साइकिलिस्ट उसमें आते हैं. और कार्बन फुटप्रिंट इज फेनोमिनल, नॉट ओनली लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय फूड एंड ड्रिंक कंजम्पशन ऑफ विच वेरी लिटिल इज रिसाइकल्ड, बट ट्रैवल टू एंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट एंड स्पेक्टेटर्स. तो इसमें ये कहा गया है कि काफ़ी फूड और ड्रिंक्स का वेस्ट जनरेट होता है, जो कि बहुत उसमें से बहुत कम रिसाइकल होता है, तो वो एक थोड़ी एक गलत चीज़ होती है. बट ट्रैवल टू एंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट. सो स्टार्ट से लेकर एंड तक काफ़ी चीज़ें यूज़ में आ जाती है, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रेस टू द एंड, और दोनों के तरफ से, जो खेल रहे वो भी और जो देख रहे स्पेक्टेटर्स वो भी. सो एनवायरमेंटल ग्रीन मैनेजमेंट इज बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, विल ऑल्सो नीड टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन बाय स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन फ्यूचर. तो जैसे कि ये जब एक्स्ट्रा वेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो इसके लिए ये थोड़ा गलत चीज़ जो हो रही है, तो उसमें उनको एक ग्रीन एनवायरमेंट ला के वो चेंज लाना है. सो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रीन एनवायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए उनको काम करना ज़रूरी है कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स इन द फिजिकल एनवायरमेंट इज इन दिस द एडवांसेस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स. ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि इस पर स्टेडियम्स एंड स्पोर्ट्स में काफ़ी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा लगा के, जैसे कि हमने अभी देखा कि अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम बना, फिर उसके बाद कोई और एक दो सिटीज़ में काफ़ी स्टेडियम्स बनाए हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ों की भी उसमें डेवलपमेंट हुई है. सो इट हैज़ बीन अ रियली ग्रेट लाइक इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आर कंट्री रिगार्डिंग टू स्पोर्ट्स. तो वो हुआ है, इट वॉज फाउंड दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इन्फ्लुएंस्ड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन विद द स्पोर्ट्स प्रोडक्ट. तो काफ़ी कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिला है उस प्रोडक्ट्स की तरफ से भी, क्योंकि अगर आप चीज़ें सब अच्छी प्रोवाइड करोगे तो वो कस्टमर भी खुश होगा, कंज्यूमर जो भी होगा. अगला है इकोनॉमिक एनवायरमेंट. इकोनॉमिक एनवायरमेंट सीन देखिए, अभी जो स्पोर्ट है वो हर कोई खेलता है, और ज़रूरी नहीं है कि एथलीट ही सिर्फ स्पोर्ट्स खेलेगा, कोई स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट भी होते हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेलते, वो एक जस्ट लेजर टाइमिंग, लेजर एक्टिविटी के लिए वो सब खेलते हैं. सो स्पोर्ट्स हैविली रिलाई ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स डिस्क्रिशनरी इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सो कंज्यूमर की जो इनकम होंगी वो डिस्क्रिशनली रिलेटेड टू होंगी एनवायरनमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स एंड विल फ्लक्चुएट एज चेंज ऑकर विद इन दिस एनवायरनमेंट. जैसे कि अब कोरोना आ गया तो काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद हो गई, तो वो जैसे कि डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उसके वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्ट बेचना बंद हो गया, तो वो और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के भी काफ़ी धंधे बंद होंगे. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. द मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट स्पोर्ट्स क्लब्स आर बिग स्पेंडर्स. जो कि नॉन प्रॉफिट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो वो काफ़ी एक बिग स्पेंडर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर चूजन स्पोर्ट. जो भी उसमें स्पोर्ट्स उन्होंने चूज़ किया उसमें वो काफ़ी स्पेंड करते हैं. अमाउंट स्पेंड ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स टाइप्स एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स टाइप्स एंड एक्टिविटीज़ डिफर इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्ट एंड आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द इनकम ग्रुप. तो इनकम ग्रुप से भी ये एक बहुत बड़ा डिपेंड होता है, क्योंकि अगर हायर मिडिल क्लास रहा तो काफ़ी इनकम से स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को काफ़ी फ़ायदा होगा, लोअर मिडिल क्लास रहा तो कम फायदा होगा. सो इंडिविजुअल्स इन हायर इनकमिंग ग्रुप्स विथ टर्शियरी एजुकेशन सीनियरिटी इन द स्पोर्ट स्पेंड हायर अमाउंट ऑफ ऑन स्पोर्ट. तो वो काफ़ी मतलब जो बड़े अच्छे एजुकेशन के लोग होते हैं, या फिर जो कि हायर इनकम के ग्रुप्स के लोग होते हैं, तो वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं. एंड विथ वेयर एज द लोअर इनकम स्पेंड लेस, तो वो कम लेस करते हैं ऑब्वियसली. स्पेंडिंग पैटर्न्स ऑफ मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू मैनेज. तो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैनेज करने के लिए,
कोई भी एक नॉन प्रॉफिट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के, एज इट वॉज वन द मोस्ट मेंबर विल कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टुवर्ड्स देयर स्पोर्ट्स क्लब्स एंड वी आर एबल टू डू सो इफ दे वर आस्ट. तो स्पोर्ट्स मेंबर को उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है इफ दे आर आस्ट. इट इज देयर फॉर क्रूशियल टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑन द स्पेंडिंग पैटर्न्स ऑफ मेंबर्स एज इट कैन अफेक्ट द लाइफ ब्लड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर सस्टेनेबिलिटी सिग्निफिकेंटली. तो ऑब्वियसली वो उनके स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ ब्लड को अफेक्ट करेंगे, उनकी सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे. ये जो मेंबर्स है, ये जो फ्लक्चुएटिंग मेंबर्स होते हैं, तो ये ऑब्वियसली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है. सो हमने देखा पूरा एनवायरनमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे यूनिट में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, काफ़ी छोटा यूनिट है. मैक्रो एनवायरनमेंट और मिनी मैक्रो एनवायरनमेंट दोनों मैंने, माइक्रो मैक्रो दोनों बताया आपको, रिलेशन बताया और स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताई, फिर हमने उसके काफ़ी एक फीचर जो हाईलाइट हुए वो देखे. सो जस्ट फिगर, जस्ट एक पूरा एक रिविजन आप कर लीजिए यूनिट की. इट्स अ वेरी इजी यूनिट, थर्ड यूनिट. और कोई भी अगेन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि दिस यूनिट इज अगेन फिनिश्ड एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट लेटर ऑन. मैं जल्द से जल्द वीडियो शूट करके पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप कमेंट कर नहीं रहे, सो प्लीज़ ट्राई एंड लेट मी नो कि आपको समझ आ रहा है नहीं, क्योंकि मुझे ना कुछ पता चल रहा है कमेंट में, यूट्यूब पे. तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे प्राइवेट में पूछ सकते हो कि आपको कुछ मतलब ज़रूरत है, या तो मैं आपको वैसे हेल्प करूंगा. सो आई एम योर टीचर, सो जस्ट हेल्प, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस पार्ट, बिकॉज माइक्रो एंड मिनी एनवायरनमेंट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट. ये काफ़ी अगर एग्जाम में आए तो ईजीली आप लिख पाओगे, बस आपको थोड़ी रिविजन करनी पड़ेंगी. इसमें बुक्स वगैरह है तो ये आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ लीजिए, और मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ लीजिए, यानी कि आपको थोड़ा लिखते टाइम वो याद आएगा. विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप वीडियो देखोगे तो वो ज़्यादा ध्यान में रहेंगे रादर देन लिख जो पढ़ा हुआ. सो ऑब्वियसली पढ़ना तो है ही आपको, सो वीडियो देख के पढ़िए तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आएंगी जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ. कुछ पॉइंट्स छूट रहे होंगे तो मुझे बताइए, मैं आपको वो भी वीडियो शूट करके बता पढ़ा दूंगा. सो दैट्स नॉट अ बिग इशू. सो यस, थैंक यू, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट.